वेल हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप तुम खुश हो। मैं जो भी टॉपिक का वन शॉट लेके आई हूँ, आई होप तुम खुश हो। मैनी ऑफ देम हैज़ टोल्ड मी दैट भाई मैम, हमें जेनेटिक्स में बहुत प्रॉब्लम है, हमें जेनेटिक्स का कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं तो ये अश्योर नहीं कर सकती कि तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, पर या मैं इतना बोल सकती हूँ कि तुम्हें मोटा मोटा सब कुछ समझ में आएगा। मैं ऐसे कवर करने वाली हूँ पूरे चैप्टर को, ठीक है? तो हम लोग बिल्कुल और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी से चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलो, तो ये है हमारा चैप्टर का नाम, जैसे कि हमें दिख रहा है। दिस इज़ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ जेनेटिक्स। वी विल बी कमिंग विद द सेकेंड पार्ट विच इज़ MBI, वेरी सुन वी विल बी कमिंग विथ। ओके ओके, अच्छा पहले बताओ इनहेरिटेंस क्या होता है। ये जो हम अपने मम्मी पापा से आते हैं, या जनरेशन वाइज ह्यूमंस का बच्चा ह्यूमंस होता है, कॉकरोच का बच्चा कॉकरोच होता है, फ्रॉग का बच्चा फ्रॉग होता है, ये जो साइंस ऑफ आर्ट्स काम कर रही है, ये जो साइंस की मैकेनिज्म्स काम कर रही है, या तो तुम कह सकते हो सरल भाषा में मेटाबॉलिज्म विच इज़ वर्किंग फॉर द प्रोजेनी टू प्रोजेनी और द फर्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, दिस मेटाबॉलिज्म इज नोन एज इनहेरिटेंस। यानी कि पेरेंट टू प्रोजेनी, पेरेंट टू प्रोजेनी जाने का जो प्रोसेस है, इसे हम लोग कहते हैं इनहेरिटेंस। यानी कि माँ बाप से बच्चों पे जाने का प्रोसेस को हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। तो फिर मैम हेरिडिटरी किसको कहते हैं? हेरिडिटरी का सिंपल मतलब है कि हम जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे जा रहे हैं। अंडरस्टैंड, देर इज़ अ वेरी थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन इनहेरिटेंस एंड हेरिडिटरी। इनहेरिटेंस इज टॉकिंग अबाउट प्रोजेनी एंड हेरिडिटरी इज टॉकिंग अबाउट अ होल जेनरेशन। दोनों में अंतर है, ओके? दोनों में अंतर है, ओके? फिर आता है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब क्या है? क्या तुम अपनी मम्मी के जैसे टोटली दिखते हो? क्या तुम्हारे और मम्मी के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है? थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तुम्हारी और मम्मी के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस है। क्यों है वो डिफरेंस? वेरिएशंस की वजह से। वेरिएशंस का बहुत सिंपल मतलब है कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है, वेरिएशन का बहुत सिंपल मतलब है कि तुम्हारे और तुम्हारे जनरेशन गैप पे जो चेंजेस है उसे हम वेरिएशन कहते हैं। मुझे नहीं पता इससे अच्छा मैं और कितना अच्छा एक्सप्लेन कर सकती हूँ। मेरी बातें, मैं जब तक क्लास कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कब तक क्लास चलेगी, तो मैं जब तक बोल रही हूँ ना, मेरी बातें ध्यान से सुनो। जब तुम सुनोगे ना, तुम सिर्फ सुनते रहना, ऐसा मत करना कि इधर उधर देखना, इधर उधर सोचना। नो, डोंट डू दैट। पे अटेंशन, वॉट एवर आई एम सेइंग, प्लीज़ पे अटेंशन। उसको ऑफ करो, पे अटेंशन उसको, ठीक है? ओके, तो वेरिएशन समझ गए, इनहेरिटेंस समझ गए, हेरिडिटरी समझ गए, ठीक है? अब जीन और एलील के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। चलो, जीन और एलील क्या होता है? देखो, जीन होता है सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का एक जो पार्ट होता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। तो मैम जीन का असली काम क्या है? जीन का काम है किसी भी सीक्वेंशियल कोडिंग करना। जी हाँ, ये जो भी कोडिंग यहाँ पे चल रहा है ना, ये सब कुछ जीन कर रहा है। ओके, ये सब कुछ जीन कर रहा है, ठीक है? अरे मैम, अगर जीन ये सब कुछ कर रहा है तो फिर अलील किस काम का है? या अगर मेरा क्वेश्चन ऐसा हो मैम कि अलील का मेन फंक्शन या काम होता क्या है? देखो, अगर जीन है ट्रीज, तो अलील, ओ माय गॉड सॉरी, अगर जीन को हम लोग ट्रीज कहेंगे तो अलील्स को हम लोग कहेंगे टॉल ट्रीज। यानी कि जीन का जो एडजेक्टिव बन जाता है, क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। हम लोग कहते हैं ना नाउन। सोचो मैं ड्रेस पहनी हुई हूँ, किस कलर की पहनी हुई? वायलेट कलर की पहनी हुई हूँ, तो ड्रेस मेरा क्या हो गया? जीन हो गया। और अलील मेरा क्या हो गया? अलील पर्पल ड्रेस, ठीक है? पर्पल ड्रेस। तो ये है द थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन जीन्स एंड अलील्स। ये भी थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है? क्योंकि ये बाद में जाके काम आने वाला है, तो तुम्हें ये सब चीज़ें याद रखनी है। सिंपल बात है। ओके ओके, इसके बाद ना मैं थोड़ा सा होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस के बारे में बता देती हूँ तुम लोगों को। ओके, देखो यहाँ पे होमोजाइगस का मतलब क्या है? जब तुम्हारे पास दो सेम सेम अलील्स हो, तब वो होता है होमोजाइगस। बट जब तुम्हारे पास डिफरेंट डिफरेंट एलील हो, तब वो हो जाता है हेटरोजाइगस। यानी कि देखो, यहाँ पे टॉल है, टॉल है, और यहाँ पे ड्रॉफ्ट है,
है ना, मैंने यहाँ पे यही दिखाया ना, इन दोनों को दिखाया मैंने, टॉल एंड ड्रॉफ्ट है, ये दोनों सेम सेम दिखते हैं, इसीलिए उनको हम लोग होमोजाइगस कहते हैं। और जो सेम नहीं दिखता, यानी कि एक टी कैपिटल टी और दूसरा वाला स्मॉल टी, यानी कि ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट एलील हो गए हैं, है ना, ये लोग डिफरेंट डिफरेंट एलील हो गए हैं, तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम लोग हेट्रोजाइगस कहेंगे। व्हाट वी विल से इट एज अ हेट्रोजाइगस। ओके ओके, यहाँ पे और एक चीज़ मैं बता देती हूँ, फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक। देखो फिनोटिपिक जो होता है, फिनोटिपिक का आई कैन सी द ईजीएस्ट वर्ड आई कैन राइट फॉर इट इज मॉर्फोलॉजी, एंड जीनोटिपिक के लिए आई कैन राइट एनाटॉमी। ओके, अब मैं इतनी इजीली, तो इतना इजी नहीं होता है। फिनोटिपिक का मतलब है कि जो तुम्हें आउटर एरिया से दिख रहा है, यानी कि सोचो तुम्हारे पास 10 बॉल्स है बाहर की साइड पे और अंदर की साइड पे और 30 बॉल्स है। अब सोचो उन सबको मैंने एक बॉक्स में ढक दिया और ऊपर का सिर्फ 10 बॉल्स दिख रहा है, ठीक है। अब ऊपर का जो 10 बॉल्स दिखेगा, वो 10 बॉल्स को काउंट करके तुम क्या कहोगे, वो 10 बॉल्स हो गए तुम्हारे फिनोटिपिक, क्योंकि वो बाहर से दिख रहा है। पर जब ही तुम सारे बॉल्स को एक साथ इकट्ठा कर रहे हो, जब तुम बॉल के बैरियर्स को हटा के देख रहे हो कि अंदर क्या है, अंदर और भी 30 बॉल्स थे, वो 30 बॉल्स हो जाएंगे जीनोटिपिक। ओके, वो 30 बॉल्स हो जाएंगे जीनोटिपिक। फाइन, नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द फादर ऑफ जेनेटिक्स, हु इज ग्रेगोर जोहान मेंडल। ठीक है, ही इज़ अ फादर ऑफ जेनेटिक्स। उन्होंने क्या क्या काम किया था, पहले तो वो ऑस्ट्रेलियन मॉन्क थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन पी के ऊपर, जिसे हम लोग पाइसम सैटिवम कहते हैं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था 1856 से 1863 तक। उनके रीजंस फॉर सक्सेस क्या क्या थे, वो क्यों सक्सेसफुल हुए थे, क्योंकि पहली बात तो है कि उन्होंने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन को इंट्रोड्यूस किया था पहली बार बायोलॉजी में। एंड सेकेंड इज, उनके बहुत सारे लार्ज सैम्पलिंग साइज, इन सब ने उनको बहुत हेल्प किया। बॉर्न वो कब हुए थे, डाई कब हुए थे, ये दोनों मैंने लिख दिया, दो क्वेश्चन नहीं आता है, पर क्या गारंटी है या क्या रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है, मैंने लिख दिया। ओके, आई रोट दैट। ओके, नाउ ईयर ऑफ पब्लिशिंग वो था 1965 एंड ईयर ऑफ डिस्कवरी 1900। इतना ज़्यादा डिफरेंस होने का कारण क्या है, सिंपल कारण है कि कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा हो गया था। सो देयर वॉज अ कम्युनिकेशन, नोट डाउन, हाँ अगर तुम्हारे पास नहीं लिखा हुआ है तो नोट डाउन, कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो गया या डिले हो गया उनका ये वाला थ्योरी आने में, ठीक है। मेंडल ने पब्लिश किया था 1856, व्हाई डिड आई राइट 1856, इट विल बी 1956। ओके, एंड इट वाज इशूड ऑन 19, सॉरी यहाँ पे A18 होता, सॉरी आई मेड अ मिस्टेक हेयर, उधर मैंने सही लिखा है, इधर मैंने मिस्टेक कर दिया, 1856 इट्स। ओके, सॉरी इट्स माई ग्लिच। ओके ओके, अब एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या क्या यूज़ किया था, ये भी तो जानना ज़रूरी है भाई। हम ये तो जान रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट में क्या क्या हो रहा है, तो फिर एक्सपेरिमेंट में क्या क्या यूज़ हुआ था, एक तो यूज़ हुआ था ट्रू ब्रीडिंग प्लांट, ठीक है। फिर आया था स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, यानी कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस चल रहा था, ठीक है, वो चल रहे थे। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स भी थे हमारे पास, टू अपोजिट ट्रेड्स भी थे हमारे पास, यानी कि एक अगर टॉल हो दूसरा वाला शॉर्ट होगा, है ना। फिर क्या था, लार्ज सैम्पलिंग साइज था, ऐसा नहीं कि बहुत छोटे छोटे थे, यानी कि आई साइड में हम लोग नज़र डाल सकते हैं। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी हो रहा था, यानी कि उन्होंने ये व्यवस्था भी रखा था कि अगर नेचुरल कैलमिटी सपोर्ट ना करे तो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कर देंगे, ठीक है। लार्ज सैम्पलिंग साइज बोल दिया मैंने, 7 ब्रीडिंग पी प्लांट्स, उन्होंने 7 ब्रीडिंग पी प्लांट्स बनाया था। अच्छा, अब एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी में क्या हुआ था, देखो मेंडल ने जब ये थ्योरी प्रपोज की थी ना, तब उसको किसी ने भाव नहीं दिया, बोला है चचा तुम यहाँ पे बायोलॉजी में मैथ्स घुसा रहे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। मेंडल बेचारा मर गया, अपना थ्योरी लेके मर गया, है ना, उसका थ्योरी वो खुद लेके मर गया। फिर कौन आया, फिर 1900 में डेव राइस, कोरेंस एंड वॉन श्रेनमार्क, ये तीनों साइंटिस्ट ने फिर से रीडिस्कवर किया क्रोमोसोमल वर्क्स ऑफ मेंडल। उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्रोमोसोमल वर्क्स को रीडिस्कवर किया जो मेंडल देके गया था, ठीक है। और वहाँ से 1902 में उन्हें क्या पता चला, क्रोमोसोमल मूवमेंट ड्यूरिंग द मियोसिस, जो कि मेंडल्स लॉ बन गया। क्या बन गया, मेंडल्स लॉ बन गया, ठीक है। देख रहे हो कितना अच्छा आदमी था, कितना कुछ निकाल के गया वो, है ना।
यस वाई पी प्लांट, पी प्लांट को क्यों यूज़ किया था? चाहे तो वो टमाटर उठा सकता था, तुम्हारा सेब उठा सकता था, पर पी प्लांट को क्यों यूज़ किया? क्योंकि उसकी शॉर्टर लाइफ स्पैन थी। लैब ग्रो किया जा सकता था, यानी कि मैं लैब में भी ग्रो कर सकती हूँ, मैं बाहर भी ग्रो कर सकती हूँ, है ना। फिर क्या था, ऑफ स्प्रिंग्स बहुत सारे थे, यानी कि मेरे पास ऑफ स्प्रिंग के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। फिर क्या था, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, यस कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे। फिर था कि सेल्फ पॉलिनेशन भी था, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन भी था। फिर आता है हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो है ट्रू ब्रीडिंग सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट्स, यानी कि ट्रू ब्रीडिंग होना चाहिए। सेकंड है क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि F1 जनरेशन में। एंड थर्ड है सेल्फिंग। ओके, सेवन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जिसके बारे में मैं तुम्हें बोल रही थी, वो यहाँ है। तुम देख सकते हो क्या क्या है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप, सीड कलर, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें डोमिनेंट एंड रिसेसिव दिख रहा होगा, आई एम वेरी श्योर दिख रहा होगा। तो ये है टॉल ड्राफ्ट पर्पल वाइट एक्सियल टर्मिनल इन्फ्लेटेड कॉन्स्ट्रिक्टेड ग्रीन येल्लो राउंड रिंकल्ड येल्लो ग्रीन, दीज शुड बी रिमेम्बर्ड। याद नहीं रहेगा ना, कुछ नहीं लिख के आ सकते, ठीक है, ये सब कुछ रिमेम्बर रहना चाहिए तुम्हें। ओके, चलो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आते हैं। बहुत सिंपल है, हम लोग क्लास 10 में ऑलरेडी सीख के आए हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे करना होता है, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। पेरेंट्स, हमने दो टाइप्स के पेरेंट्स को लाया, एक था मेरा प्योर टॉल, दूसरा था मेरा प्योर ड्राफ्ट, ठीक है। उनकी हाइब्रिड बनी एक हेटेरोजाइगस टॉल, ठीक है। ये मेरी F1 जनरेशन की रिजल्ट थी। अब जब मैं सेल्फिंग कर रही हूँ, यानी कि दोनों हेटेरोजाइगस टॉल्स को जब मैं सेल्फिंग कर रही हूँ, तब मुझे क्या मिल रहा है, मुझे प्यूनिट स्क्वायर में 4:4 का एक वेद मिल रहा है, जिसको हम लोग सेकेंड फिलियल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें एक प्योर टॉल मिला, एक हाइब्रिड मिला, एक हाइब्रिड मिला, एक प्योर ड्राफ्ट मिला। इसका मतलब मेंडल ने यहाँ पे क्या प्रूव कर दिया, मेंडल ने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि भले ही फर्स्ट जनरेशन में एक जीन सप्रेस कर रहा हो, यानी कि एक जीन अगर फर्स्ट जनरेशन में डोमिनेंसी करके जीत रहा था, सेकेंड जनरेशन में दूसरा वाला जीन एक्सप्रेस हो चुका है। क्या, दूसरा वाला जीन एक्सप्रेस हो गया सेकेंड फीलियल में। यही उन्होंने क्या किया था, लॉ के वाचक में दिया था, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है प्योर टॉल, हाइब्रिड टॉल एंड प्योर शॉर्ट, यानी कि हमें फेनोटिपिक रेशियो क्या मिला, यानी कि बाहर से देखने वाला रेशियो हमें क्या मिला, 3:1, क्योंकि ऑब्वियस हम लोगों के पास अभी कितने सारे टॉल हैं, 3 टॉल है। नो मैटर वो प्योर है या हाइब्रिड है, हमें टॉल पूछा गया है, हमें शर्माज पूछे गए हैं, रोहित है कि राहुल है, काहे को देखने जाएंगे, इसीलिए हम लोग जितने भी शर्माज है सबको उठाएंगे, है ना, है ना, यही तो बोला गया है, यस यही तो बोला गया है। ओके, फिर देखो एक प्योर शॉट दिया गया है, क्या दिया गया है, एक प्योर शॉट दिया गया है। ओके, तो जीनोटिपिक रेशियो जब उठा रहे हैं, तब तो हम लोग अंदर वाले शर्माज को खोल के देखेंगे ना, मतलब कौन रोहित शर्मा है, कौन राहुल शर्मा है, तब डिवाइड करेंगे। यानी कि यहाँ पे प्योर टॉल है, ये एक बन गया, यहाँ पे हाइब्रिड टॉल है, ये एक बन गया, यहाँ पे प्योर शॉर्ट है, ये भी एक बन गया। यानी कि जेनोटिपिक में हम लोग अंदर से जांच करते हैं, और फेनोटिपिक से सिर्फ बाहर से उठा लेते हैं, जो आज जो शर्मा है उसको उठा लो, उसको उठा लो, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इन एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस से क्या क्या ऑब्जर्वेशन मेंडल ने किया, अभी वो डिस्कस करते हैं। पहले उन्होंने निकाला लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ये लॉ यूनिवर्सल नहीं है, पर ये लॉ सच्ची कथा है। क्या सच्ची कथा है, कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमें दो टाइप्स के जब हाइब्रिड मिल रहे हैं, तो एक डोमिनेंट हो रहा है, दूसरा रिसेसिव हो रहा है। और फैक्टर्स, यानी कि जो जीन बोला जाता है, वो उनको थोड़े पता था कि वो जीन बोला जाता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, जीन्स का मतलब फैक्टर्स है। क्या है, जीन्स का मतलब
फैक्टर्स है। तो मैं जब भी फैक्टर्स बोलूँ उसे जीन पकड़ना, ठीक है, जीन्स आर इन पेयर्स, ये भी उन्हें समझ में आ गया, ठीक है। फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन निकाला उन्होंने, उन्होंने इसको यूनिवर्सल फैक्टर बताया। क्या बताया? यूनिवर्सल फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ब्लेंडिंग नहीं दिख रहा था, कि यहाँ पे 1:2, 2:1 ही दिख रहा है हम लोगों को, ठीक है, 1:2, 2:1 दिख रहा है, यानी कि इसका मियोसिस करो तो एक एक गैमेट निकलेगा, ठीक है, ये सेग्रीगेशन लॉ में उन्होंने कहा था। यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट के नाम थोड़ा सा जान लो, जो कि मैंने लिखना भूल गई थी इसलिए मैंने बाद में ऐड कर दिया। दैट इज़ फादर ऑफ एक्सेप्शनल जेनेटिक्स इज मॉर्गन, ठीक है, मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर थे डब्ल्यू वैटसन, ठीक है। पनेट स्क्वायर किनने दिया था? आरसी पनेट ने दिया था, ठीक है। लिंकेज टर्म किसने दिया? टीएच मॉर्गन ने दिया। एंड एक्स बॉडी टर्म किसने दिया? हेनकिंग ने दिया। तो दीज आर द स्लाइट इन्फॉर्मेशन यू हैव टू रिमेंबर वाइल यू आर लर्निंग और रिवाइजिंग द जेनेटिक्स चैप्टर, ओके। नाउ आई एम कमिंग टू द डाईहाइब्रिड क्रॉस। नाउ डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है? देखो, ये मेरे पास एक पेरेंट है, ये मेरे पास एक पेरेंट है, राउंड येल्लो और रिंकल्ड येल्लो, यानी कि इतनी देर से तो मैंने दो टाइप्स के तुम्हारे क्रॉसेस लिए थे, अब मैंने क्या किया, अब मैंने टोटली दोनों अलग अलग टाइप के, यानी कि मैंने क्या किया, मैंने चार तरह की हाइब्रिड्स ली, ठीक है, मैंने चार तरह की पैरेंटल को लिया और उनको दो दो करके मिक्स कर दिया, यानी कि मैंने डाई क्रॉसिंग किया है। अब क्या किया? डाई क्रॉसिंग, ठीक है। डाई क्रॉसिंग जब मैंने किया है, तब देखो पहले मेरे डाई क्रॉसिंग में मेरा एक एक जीन एक एक जगह से उठ के आया, यानी कि व्हेन आई एम हैविंग टू काइंड्स ऑफ जीन्स हियर, आई एम हैविंग टू काइंड्स ऑफ जीन्स, ओके, व्हाट आई एम सेइंग, आई एम हैविंग टू काइंड्स ऑफ अलील, ठीक है, देयर आई वाज हैविंग अ सिंगल अलील, देयर आई वाज डीलिंग विद अ सिंगल अलील, नाउ आई एम हैविंग टू काइंड्स ऑफ अलील, सो टू काइंड्स ऑफ अलील मीन्स आर वाई obviously, and when I am having two kinds of allele, again I am getting a hybrid here. So both hybrids will be doing a selfing, then I will get a new hybrid. Oh my god, kitna machhar hai mere room mein. Okay. जब मैं इनको मिक्स करूँगी तब मुझे एक नया हाइब्रिड मिलेगा जो होगा राउंड येल्लो, ठीक है। अब पनेट स्क्वायर की हेल्प से मैं एक बहुत बड़ा स्क्वायर बना के 16 पेयर्स बना के उसका हिसाब कर सकती हूँ, पर प्रश्न है मेहनत क्यों करूं जब हमें ट्रिक्स पता है। ट्रिक्स क्या है? ट्रिक्स ये है, तुम आर आर के साथ वाई वाई और वाई तीन कॉम्बिनेशंस को बनाओ, फिर तुम्हें जो रेशियो मिल रहा है उसे पास पास लिखते रहो, ठीक है। जब तुम पूरा रेशियो कंप्लीट कर लोगे तब तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारे पास एक रेशियो आ गया है। इस रेशियो को साइड बाई साइड ऐसे लिख लो, जब भी तुम इस रेशियो को साइड बाई साइड लिख लोगे तुम्हारे पास जेनोटिपिक रेशियो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जेनोटिपिक रेशियो आ जाएगा। और हमेशा याद रखना है कि जीनोटाइप 9 होंगे और फिनोटाइप 4 होगा, ठीक है। मोनोहाइब्रिड को अगर मल्टीप्लाई करो, ट्वाइस मल्टीप्लाई करो, तो वो डाईहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो बन जाता है। एग्जाम्पल दिखाती हूँ, चलो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने मोनोहाइब्रिड्स के दो ट्रेड्स को लिया और उसका जेनोटिपिक निकाला 1:2:1, 1:2:1, ठीक है। अब मैं अगर कंबाइन कर दूँ इन दोनों को, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो फेनोटिपिक रेशियो का एक्चुअल रेशियो आएगा। इन दोनों को मैं बोल रही हूँ 1:2:1 × 1:2:1, अगर इफ आई मल्टीप्लाई दैट देन आई एम गोइंग टू गेट द फेनोटिपिक रेशियो ऑफ द फॉलोइंग वन, ओके। मज़ा आया इस ट्रिक में, इस ट्रिक को हमेशा याद रखना, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या क्या मिल गया? राउंड येल्लो मिल गया, राउंड ग्रीन मिल गया, रिंकल्ड येल्लो मिल गया, रिंकल्ड ग्रीन मिल गया। यहाँ पे जो राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येल्लो है ये दोनों बन गए रिकॉम्बिनेंट्स, और राउंड येल्लो तो पहले से ही थे, रिंकल ग्रीन तो पहले से ही थे, ये बन गए पैरेंटल कॉम्बिनेशन, है ना, ये बन गए पैरेंटल कॉम्बिनेशन, ओके। अब बैक क्रॉस की बारी है। बैक क्रॉस यानी कि आउट क्रॉस, आउट क्रॉस कहाँ पे होता है? मोनोहाइब्रिड्स में होता है। यहाँ पे क्या होता है कि मैं जो जीन या एलील है मेरा वो डोमिनेंट के साथ रिएक्ट करवा रही हूँ, तो वहाँ हमें क्या मिल रहा है? फेनोटिपिक्स में तो हमें ऑल्ट ऑल मिल रहा है, जीनोटिपिक में भी हमें 1:1 मिल रहा है। और आउट क्रॉस यानी कि डाईहाइब्रिड के साथ जो कर रही हूँ वहाँ पे मैं मोनोहाइब्रिड को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो जेनोटिपिक रेशियो में मुझे बिल्कुल सेम टू सेम मिल रहा है, यानी देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द आउट क्रॉस ऑफ डोमिनेंट एंड आउट क्रॉस ऑफ डाईहाइब्रिड, ओके ओके। टेस्ट क्रॉस क्या है? जब हम किसी भी F1 जनरेशन को रिसेसिव के साथ रिएक्ट करवाते हैं,
रिएक्ट क्यों बोल रही हो, मल्टीप्लाई कराते हैं एफ वन को रिसेसिव के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, तब हमें पुनेट स्क्वायर करने के बाद एक्चुअली क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है टॉल इज टू ड्राफ्ट यानी कि 1:1 मिल जाता है, हमें जेनोटिपिक रेशियो 1:1 ही मिलता है। ठीक है, अगर एफ टू फीलियर जनरेशन करवाए हम लोग, मतलब यानी कि हम लोग अगर एफ टू में सेकेंड सेल्फिंग कराए तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, एक पनेट स्क्वायर में हमें मिलता है ऑल टॉल और एक पनेट स्क्वायर में हमें मिलता है टॉल इज टू ड्राफ्ट, यानी कि एक हो जाएगा मेरा होमोजाइगस, दूसरा वाला हो जाएगा हेटरोजाइगस, क्योंकि यहाँ पे देखो तुम्हें सारे के सारे टॉल मिल रहे हैं, है ना, पर यहाँ पे एक वेरिएशन क्रिएट हो रहा है यानी कि ये हेटरोजाइगस हो जाएगा, तो टेस्ट क्रॉस ऐसे किया जाता है। ओके, आई होप यू आर क्लियर। ठीक है, मेंडल में आ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। देखो ये वन शॉट है रिविजन के लिए, ये रिविजन वाला वन शॉट है, इतना बड़ा वन शॉट नहीं है कि डिटेल्स में पूरा 5-6 घंटा बैठ के हम लोग एक एक टॉपिक के बारे में रिवाइज करें, है ना, क्योंकि एग्जाम सामने आ गए हैं, हमारी बोर्ड्स में सिर्फ 2 महीने भी सही से बाकी नहीं है, तो ये मैं इसीलिए बना रही हूँ ताकि 30 मिनट्स में मोटा मोटा करके तुम्हें हर एक चीज़ हर एक टॉपिक समझ में आ जाए, मैं वैसे समझा रही हूँ। ठीक है, पर इसके बाद भी अगर तुमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा या इसके बाद भी अगर इस नोट्स को तुमने रिवाइज नहीं किया तो देयर इज़ नो मीन्स प्रॉफिट ऑफ अटेंडिंग दिस सेशन। तो इस सेशन को अटेंड करो और इस सेशन को अटेंड करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम है वो है तुम इस सेशन को लाइक मारो, सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम से नोट्स उठाओ, एनसीईआरटी रिविजन करो। ऐसे बहुत सारे कमाल के वन शॉट रिविजन्स पहले भी आने वाले हैं, आते जाएंगे, तो उनको देखते रहो। ठीक है, ओके, बहुत बक लिया। देखो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस मैंने यहाँ भी लिख दिया, अच्छे से लिख दिया है ना, अच्छे से लिख दिया, थोड़ा सा पढ़ लेना। सेग्रीगेशन भी मैंने अच्छे से लिख दिया। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में बात करते हैं। अब देखो, इतनी देर से तुमने पढ़ा कि मैंने एक ट्रेट लिया, दूसरा ट्रेट लिया, सेल्फिंग किया, उसके बाद मुझे कोई एक ट्रेट मिला, तो मुझे लास्ट में रिजल्ट क्या मिल रहा था, एक डोमिनेंट रिजल्ट मिल रहा था यानी कि ये टॉल हो गया, या तो मुझे ऐसा रिजल्ट मिल रहा था यानी कि ये ड्राफ्ट हो गया, है ना, मुझे ऐसे रिजल्ट्स मिल रहे थे अभी तक। अब देखो एक नया एक्सेप्शन आता है हमारे पास। तुम क्या सोच रहे हो, सिर्फ केमिस्ट्री के पास एक्सेप्शन होता है, बायोलॉजी के पास भी होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस है हमारी ज़िंदगी का वो एक्सेप्शन। क्या होता है यहाँ पे, F1 जनरेशन नॉट रिजेंबल्स विद बोथ पेरेंट्स, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास जो F1 into F1 जनरेशन है ये दोनों एक अजीब सा मिक्सचर देते हैं। इफ़ कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर रिसेसिव तो वो RR रेड होता है, इफ़ कम्प्लीट डोमिनेंट ओवर रिसेसिव तो वो RR पिंक भी हो सकता है, यानी कि दो टाइप्स के वेरिएशंस आ रहे हैं यहाँ पे। फिनोटाइप सेम नहीं होते, नॉर वाइट नॉर रेड, बट क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। इतनी देर से तुम क्या सीख के आए हो, मोनोहाइब्रिड बोलो डाईहाइब्रिड बोलो, तुम इतनी देर से क्या सीख के आए हो कि कोई एक रिजल्ट तुम्हें डोमिनेंट मिलेगा। मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस में ये कहा था कि जब भी हमें कोई रिजल्ट मिलेगा वहाँ पे कोई एक डोमिनेंट होगा और कोई एक रिसेसिव होगा, पर ये पहला केस है जहाँ पे हमें डोमिनेंट या रिसेसिव समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि कलर ही कॉम्पोजिशन ही कुछ अलग आ रहा है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ से तुम्हें श्योरली समझ में आएगा, ये जो मैंने एग्जाम्पल दे के रखा है एनसीईआरटी से उठा के मैंने दिया है, यहाँ से तुम्हें समझ में आएगा। एवरी जीन इन फ्रंट ऑफ एक्सप्रेस पर्टिकुलर ट्रेट, पर यहाँ पे पर्टिकुलर ट्रेट नहीं बन रहा, यानी कि फिनोटाइप और जीनोटाइप सेम सेम हो जा रहा है, जो कि होना नहीं चाहिए था। फिनोटाइप एंड जीनोटाइप सेम सेम नहीं होते हैं, पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में वो सेम हो रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना, इसीलिए सेम हो रहे हैं। ओके, कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस का मतलब क्या है, सोचो तुम्हारे पास 3 टाइप्स के जीन हैं, इनमें से ये दोनों डोमिनेंट है और ये है रिसेसिव एक, तो हमेशा 3 टाइप्स के जीन तो नहीं घुसेंगे ना तुम्हारी बॉडी के अंदर, सिर्फ 2 टाइप्स के ही घुसेंगे। ठीक है, जैसे कि सोचो एक बार IAI घुस गया या तो एक बार IBI घुस गया, पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगा अगर IAIB घुस गया, क्योंकि ये दोनों ही डोमिनेंट है, तब ये लोग लड़ाई करेंगे कि कौन एक्सप्रेस होगा और कौन एक्सप्रेस नहीं होगा। इसे इस फेनोमेना को हम लोग कोडोमिनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कोडोमिनेंस कहते हैं। मैंने इतनी अच्छी हिंदी में एकदम इजी समझाया है, अगर इसके बाद समझ में नहीं आ रहा है तो इट्स अ बिग फेलियर फॉर मी। ओके, इट्स अ बिग फेलियर फॉर मी। मैं रात के
डेढ़ बजे, यू कैन सी देयर, रात के डेढ़ बजे बैठ के मैं ये सेशन ले रही हूँ क्योंकि बहुतों ने रिक्वेस्ट किया कि ये ज़रूरी है। तो आई होप कि तुम्हें एक एक वर्ड, मेरी एक एक बात समझ आए। मैं जो बोल रही हूँ उस पर ज़्यादा फोकस करो, बोर्ड पर फोकस करो, पर मेरी बात पर फोकस करो, क्योंकि मैं समझा रही हूँ तुम्हें तोड़ तोड़ के। मैं वो नहीं स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स नहीं दे रही हूँ तुम्हें जेनेटिक्स का, जो ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स देते हैं। आई एम योर सिस्टर, आई एम गिविंग यू द शॉर्टेस्ट वे टू रिमेंबर द जेनेटिक्स, ओके? सो टेक इट, यूज़ इट। मैं जो दे रही हूँ उसे यूज़ करो, ठीक है? ये तुम्हें प्रीमियर में शायद कल 5 या 7 बजे दिखेगा, या शायद 10 बजे दिखेगा। मैनी ऑफ देम हैज रिक्वेस्टेड मी, दीदी रात को दो, जो भी देना है रात को वीडियो दो। तो आई हैव केप्ट देयर वर्ड्स, आई विल गिव एट नाइट, आई विल डू दिस प्रेमियर एट 10 PM, ओके? ये प्रेमियर जो होगा, ये लाइव जो होगा वो 10 PM से स्टार्ट होगा। तो तुम इसे 10 PM में ही देख रहे होंगे, ठीक है? 10 PM में तुम इसे देख रहे होंगे, ओके? ओके, फाइन। क्या बोल रही थी मैं, कोडोमिनेंस। तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियरली समझा दिया कि ये दोनों डोमिनेंस है, तो इन दोनों के अंदर लड़ाई हो जाएगा कि एक्सप्रेस कौन होगा। पर अगर इसका और इसका चला, या अगर इसका इसका चला, तो ऑब्वियसली बी एक्सप्रेस होगा, और अगर आई ए आई हो गया तो ए एक्सप्रेस होगा, समझे? यानी कि दोनों के अंदर लड़ाई चलती है कि कौन एक्सप्रेस होगा। यहाँ पे हमें 6 जीनोटाइप मिलते हैं और 4 फेनोटाइप मिलते हैं। वहाँ पे कितने मिल रहे थे डाइहाइब्रिड में, हमें वहाँ पे शायद 4 फेनोटाइप मिल रहे थे और 6 जीनोटाइप मिल रहे थे, है ना? ओके ओके, वी आर डन। 3 एलील्स वी आर हैविंग गवर्निंग सेम कैरेक्टर, ओके? देखो यहाँ पे वो चार्ट, वो फेमस चार्ट ऑफ एनसीईआरटी, मैंने वो भी दिया है, ठीक है? देखो यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट आता है, जैसे मल्टीपल एलिलिज्म, जो मैं बोल रही थी, दो केसेस में यूज़ होता है। एक तो होता है ब्लड ग्रुपिंग में यूज, दूसरा होता है पॉपुलेशन स्टडिंग में। मैं पहले ही बोल रही हूँ मल्टीपल एलिलिज्म में ये सिर्फ पॉपुलेशन के लिए ही वैरी करता है, ये जो है ना सिर्फ पॉपुलेशन के लिए वैरी करता है, क्योंकि हमेशा पॉसिबल नहीं है कि 3-3 जीन घुसा के तुम देखोगे कोडोमिनेंस कहाँ पे हो रहा है, कौन किसको एक्सप्रेस कर रहा है। तो दिस इज ओनली यूज फॉर पॉपुलेशन। ब्लड ग्रुपिंग के लिए जो यूज़ होता है वो मल्टीपल एलिलिज्म नहीं हो रहा है, ठीक है? वो मल्टीपल एलिलिज्म नहीं हो रहा है, उसको उस कैटेगरी में नहीं सोचना है, ठीक है? ओके, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये क्या बोल रहा है? पहली बात तो है कि यूनिवर्सल नहीं है, एंड ये तब ही काम करता है जब दो जीन दो क्रोमोसोम्स रहते हैं। लिंकेज एक्सेप्शनल है, उसके साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है? व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेट हाइब्रिड होते हैं, जब कोई दो पेयर्स ऑफ ट्रेट हाइब्रिड होते हैं वो सेग्रीगेट कर जाते हैं, यानी कि वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर, यानी कि एक कैरेक्टर इंडिपेंडेंट हो रहा है दूसरे से। 4 टाइप्स ऑफ गैमेट, एग और पॉलन ग्रेन 25% ईच, यानी कि सबको एक अलग 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 डिवीजन मिल रहा है, मतलब कि सबको एक अलग 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 डिवीजन मिल रहा है। देखो यहाँ पे हमने 2 टाइप्स के एलील्स को रिएक्ट करवाया तो हमें 2 टाइप्स के जीन्स मिले, उससे एक अलग टाइप्स का जीन निकल के आया, है ना? तो इसी वो कह रहा है कि यहाँ पे वैरायटी है, हर वैरायटी को इंडिपेंडेंस मिल रही है, और हर वैरायटी की इंडिपेंडेंस 25% है। कितना है? 25% है, ओके। अब वॉल्टन सैटन एंड थियोडोर बोवरी पे आते हैं, इन्होंने क्या किया था, कौन है जानते हैं, चलो। इन्होंने क्रोमोसोमल बिहेवियर को देखा था, विच इज़ इक्वल टू द जीन बिहेवियर। इन्होंने माइटोसिस किया, इक्वल डिवीजन किया, रिडक्शनल डिवीजन किया, उनके बाद उन्हें पता चला क्रोमोसोम्स और जीन्स आर इन पेयर, दोनों ही पेयर्स में रहते हैं, यानी कि यहाँ पे एक पार्ट पे एलील रहता है, सिंपल बात है। होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स दिखाया गया है यहाँ पे, ये जो दिखाया गया है होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विथ मेंडेलियन प्रिंसिपल, ये बात सटन ने कही थी। सटन ने क्या कहा था कि क्रोमोसोमल की जो सेग्रीगेशन होती है, यानी कि जो मिक्सचर होता है, वो किससे होता है, वो मेंडेलियन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ये सटन ने कहा था, ओके? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, और मैंने ये दोनों अटैच कर दिया है, तो जब तुम रिविजन करो तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है? ओके, सटन एंड बोवरी ने और एक चीज़ कहा था कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेपरेशन हो जाते हैं जीन्स से। सटन ने कहा कि नॉलेज ऑफ क्रोमोसोम सेग्रीगेशन प्लस मेंडेलियन प्रिंसिपल, जो मैंने पिछले पेज में लिखा, ठीक है? और थॉमस मॉर्गन ने क्या कहा कि वेरिएशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन हो रहा है, टीनी फ्रूट्स फ्लाइज जो कि ड्रोसोफिला मेलेंगोना गोस्टर हो रहे थे ना, इसे क्या कहते हैं, ड्रोसोफिलिया मेलेंगोगास्टर, ठीक है? उन्होंने कहा कि वेरिएशन हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो रहा है, यानी कि क्रोमोसोम्स में वेरिएशन हो रहा है, दोनों ने दोनों टाइप्स की बातें बोली। अच्छा, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पे आते हैं।
थोड़ा सा समझना इजी है। मैंने दो टाइप के मक्खियाँ ड्रॉ की है, एक तो मेल है दूसरा फीमेल है। समझ में आ रहा है, सिंगल मेटिंग करेंगे तो लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फाइल्स हो गए, तो लाइफ साइकिल इन लोगों का सिर्फ 2 हफ्ते रहता है। ओके, मेनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशंस रहता है, लो पावर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें पता चलेगा। ठीक है, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज का सिंपल मतलब है फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू जीन्स ऑफ क्रोमोजोम्स। ठीक है, क्या उनके पास दो जीन्स के क्रोमोजोम्स के जो फिजिकल एसोसिएशन होते हैं, यानी कि हम लोग जो बात बोल रहे थे ना कि इधर ये होगा वो होगा, इसका एक एक्सेप्शन लिंकेज है, क्योंकि लिंकेज में क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है दो क्रोमोसोम्स के, और रिकॉम्बिनेंट में क्या हो रहा है, नॉन पैरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। क्या हो रहा है, नॉन पैरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। मॉर्गन ने क्या कहा कि टाइट लिंकेज इज इक्वल टू लो रिकॉम्बिनेशन, यानी कि जितना वो लोग एक साथ रहेंगे रिकॉम्बिनेशन उतना ज़्यादा कम होगा, क्योंकि वो क्या है, वो है नॉन पैरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, यानी कि पैरेंट पैरेंट जीन कॉम्बिनेशन नहीं है, तो जितना टाइट करोगे रिकॉम्बिनेशन कम होगा, यानी कि क्या होगा, पैरेंट पैरेंट इंटरैक्शन ज़्यादा होगा, और अगर ज़्यादा लूज कर दोगे तो हाई रिकॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, ये मॉर्गन ने कहा। ठीक है, एग्जाम्पल उसने क्या क्या दिया, जीन वाइज येलो टाइटली लिंक्ड 1-3% रिकॉम्बिनेट दिया, एंड वाइल मिनिएचर विंग दिया उन्होंने 37.2% रिकॉम्बिनेट। उसके स्टूडेंट ने अल्फ्रेड स्टावरलेंथ ने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन जीन पेयर ऑन सेम क्रोमोसोम इसके बारे में बोला कि डिस्टेंस मेजर बिटवीन जीन्स अगर मापा जाए तो पोजीशन मैप्ड ऑन क्रोमोसोम। यहाँ पे इतने मच्छर क्यों है पता नहीं, बहुत ज़्यादा मच्छर है गाइस। डिस्टेंस जब मेजर किया गया जीन्स के पोजिशंस के बीच में, तो वो मैप्ड निकले क्रोमोसोम्स के साथ, यानी कि बार बार एक चीज़ बहुत क्लियर हो रही है कि जीन्स एंड क्रोमोसोम्स के बिहेवियर हमेशा घूम फिर के सेम हो रहे हैं। जेनेटिक्स मैप कहता है होल जीनोम सीक्वेंसिंग। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उसका। ठीक है, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला डिड द सेम डाइहाइब्रिड क्रॉस एज द मॉर्गन मेंडल पीस, यानी कि उसने ड्रोसोफिला पे जब डाइहाइब्रिड चेक किया तो वो मेंडेलियन के पीस के साथ बिल्कुल सेम टू सेम रिजल्ट्स मार रहा था। ठीक है, ठीक है, हमें यहाँ पे रिजल्ट्स पता चल गया, मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है, इसको तुम एक बार पढ़ लेना। ठीक है, अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में आते हैं। पॉली का मतलब है मैनी, एंड जेनिक का मतलब है जीन्स, यानी कि मैनी जीन्स की बात हो रही है, यहाँ पे इनहेरिटेंस की बात हो रही है। तो वन ट्रेट से जब मैनी जीन्स बनते हैं, यानी कि एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस होता है, और इसके एग्जांपल्स क्या है, ह्यूमन स्किन कलर या ह्यूमन हाइट। यानी कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हमें बहुत सारी वेराइटीज देखने को मिलती है, जनरली इट्स रिलेटेड टू वेरिएशन, क्योंकि ये हमें बहुत टाइप्स के जीन्स देता है, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस डिफरेंट डिफरेंट जीन्स को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनाता है। यानी पॉलीजेनिक ट्रेट, ये जो फिनोटाइपिक कलर और हाइट है, इसे हम लोग पॉलीजेनिक ट्रेट लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेनी जीन्स का इन्फ्लुएंस है, यहाँ पे एनवायरमेंट के ऊपर जीन वैरी करता है, यहाँ पे मेनी जीन्स की एक वेरिएशन खुद की चलती है। सो इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज एडिक्ट, यानी कि एक एक एलील की अपनी अपनी काम होती है, अपनी अपनी फीचर होती है, अपनी अपनी खूबियाँ होती है, उसे हम लोग कभी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, प्लियोट्रॉपी, सिंगल जीन इनटू मल्टीपल फिनोटिपिक। सिंगल जीन्स क्या होते हैं, मल्टीपल फिनोटिपिक हो जाते हैं, ऑपोजिट टू पॉलीजेनिक, पॉलीजेनिक से ऑपोजिट है, यानी कि सिंपल बात है, यहाँ पे हम लोग एक ही टाइप्स की चीज़ों को बार बार देख रहे हैं। फिनाइल केटोनोरिया की बातें याद है, ठीक है, उसमें क्या होता था, मेंटल रिटार्डेशन होता था, हेयर रिडक्शन होता था, स्किन पिगमेंटेशन प्रॉब्लम होता था, पर ये क्यों होता था, क्योंकि एक ही जीन की म्यूटेशन होती थी। क्या होती थी, एक जीन की म्यूटेशन होती थी, यानी कि कोई एक जीन अगर बार बार डिवाइड करे और वो जीन की कोई वेरिएशन ना हो, या बहुत सारे जीन्स ना हो पर एक ही जीन की साइकिल चल रही है, तब वो म्यूटेशन में बदल जाती है, और म्यूटेशन जब ही होता है तब फिनाइल केटोनोरिया जैसी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होती रहती हैं। अब सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं। हेनकिंग ने कहा था 1891 में कि आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस हमारी बॉडी में 50% स्पर्म्स रहते थे जो रिसीव स्पेसिकुलर न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, और 50 ऐसे रहते थे जिनको मिलता नहीं था, कोई स्ट्रक्चर नहीं मिलता था उन्हें, तो अगर उनका रिएक्ट करवाया जाए तो यहाँ पे एक रेशियो बन के आता था जिसमें हमें पता चलता था 50-50 चांसेस एक एक जीन के लिए रहेगा। ठीक है, वही अगर एक्सो टाइप एंड एक्स वाई टाइप सेक्स डिटर्मिनिंग करे तो बोथ केसेस में मेल्स डिफरेंट होते थे, उनके बिहेवियर डिफरेंट होते थे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ए ए और एक्सो, या ए ए और एक्स वाई, माय गॉड
ए और एक्स वाई अगर इन दोनों कैटेगरीज को हम लोग पकड़े तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, मेल हेटरोगैमी, ठीक है। और अगर हम लोग ए ए एक्स जेड जेड और ए ए जेड डब्ल्यू ले, जब भी डब्ल्यू आता है तब वो फीमेल हो जाता है, जब जेड जेड जाता है वो मेल होता है, यानी कि यहाँ पे मेल्स होमोलोगस होते हैं, ठीक है, तो वो फीमेल हेटरोगैमी बन जाता है। सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमंस में करना बहुत ईजी है, हमारे पास 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स रहते हैं जिसमें हम लोग मेल्स एंड फीमेल्स को डिवाइड कर सकते हैं। वन पेयर ऑफ एलोसोम डिफरेंट होता है, एक्स एक्स क्रोमोसोम एक तो फीमेल में होता है, एक्स वाई मेल्स में होता है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पे हमें पता चलता है 50-50 स्पर्म्स डिवाइडेड है, कोई तो एक्स बन सकता है कोई वाई भी बन सकता है। सो बेबीज सेक्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाई फादर और मदर। वैसे हनी बीज की अगर बात करें तो मेल वहाँ पे 16 होते हैं, माइटोसिस करो तो 16 ही रहता है, फीमेल्स वहाँ पे 32 बन जाते हैं। ये थोड़ा सा कट गया है साइड से, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बिकॉज हम लोगों को ना पीडीएफ का एक मेजरमेंट करना पड़ता है कि साइड में कितना ज़्यादा शो कर रहा है तुम्हें, तो वो थोड़ा सा कट गया है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। हैप्लॉयड डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन की जब बात करें तो हमें यहाँ पे देखो दिख रहा है कि मेल डिप्लॉयड स्ट्रक्चर में है, क्वीन डिप्लॉयड स्ट्रक्चर में है। अब जब मेल और क्वीन की मियोसिस होती है तो मेल हैप्लॉयड बनता है, और यहाँ पे देखो क्वीन भी हैप्लॉयड ही बनती है, ठीक है, ये भी हैप्लॉयड है ये भी हैप्लॉयड है। दोनों जब फर्टिलाइज करते हैं तो एक एग बनता है। अब इस एग्स के साथ कुछ जेलीज बनते हैं, अगर वो जेलीज कंज्यूम कर ले कोई एक तो इसका मतलब वो क्वीन बनता है, और अगर वो जेलीज को कंज्यूम ना करे तो वो वर्कर बन जाता है, यानी कि दोनों ही 32 बनते हैं, पर इट डिपेंड्स कि कौन क्वीन बन रहा है और कौन वर्कर। और वर्कर क्या करता है, वो मियोसिस करता है हैप्लॉयड एग्स में, वो क्या बन जाता है, हैप्लॉयड एग बाद में जाके अनफर्टिलाइज्ड एग बन जाता है, यानी कि वो घूम फिर के मेल बन गया। अब समझ में आ रहा है, मेल मेल था यहाँ पे, मेल बन गया, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पे कोई फादर नहीं होता, यहाँ पे हमेशा सन्स के बाद ग्रैंडफादर या ग्रैंडसन की बातें रहती हैं, कोई फादर नहीं होता है मिडिल में, है ना, सच अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग ना, बहुत डिफरेंट है ये। म्यूटेशन अगर करें तो म्यूटाजन की बातें आती है, डीएनए सीक्वेंस ऑल्टरनेटिंग अगर करें तो हम लोगों को पता है दो टाइप्स के हमें मिलते हैं, एक है जीनोटाइप एक है फिनोटाइप। तो क्रोमोसोम्स से देखो हमें क्रोमोसोम्स मिले, यहाँ से अनकॉइलिंग होगा तो हमें क्रोमेटिड मिलेगा, और फिर अगर हमने सुपर कॉइलिंग कर दिया तो हमें यहाँ पे डीएनए हेलिक्स मिलेगा, डीएनए हेलिक्स से हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे जीन्स मिलेगा, यानी कि डीएनए हेलिक्स से हमें क्रोमोसोमल अल्टरनेशन मिल रहा है, वहाँ से हमें क्रोमोसोमल एब्रीवेशंस मिल रहा है, यानी कि एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स देखने को मिल रहा है, और यही से उत्पत्ति होता है कैंसर सेल्स की। किसकी उत्पत्ति होती है, कैंसर सेल्स की। तो तुम्हें समझ आ रहा है क्यों हो रहा है। अच्छा, ये मैंने दिया था पेडिग्री के लिए, पता नहीं यहाँ कैसे आ गया, आई थिंक गलती से आ गया। डीएनए वेरिएशंस के बारे में अगर बात करें तो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है रिकॉम्बिनेंट एक होता है म्यूटेशन। रिकॉम्बिनेंट के बारे में हम जो जान चुके हैं, अब म्यूटेशन के बारे में जानते हैं केमिकली एंड फिजिकली। एक तो होता है पॉइंट म्यूटेशन, एक होता है फ्रेमशिप म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन हमें कहता है कि डिलीजन एंड इंसर्शनल चेंजेस सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, यानी कि सिकल सेल एनीमिया जैसा होता है। क्या होता है, जैसे कि सीएसी पे जीयूजी बन जाता है वो, ठीक है, यानी कि वो कह रहा है जो भी इंसर्ट करना हो या जो भी डिलीट करना हो सिंगल बेस पे डीएनए पे करना है, ठीक है। इसके लिए सिंगल सेल एनीमिया जैसे डिसऑर्डर्स होते हैं। और फ्रेम शिफ्ट क्या कह रहा है, डिलीशन एंड इंटरनल चेंजेस होंगे पर बेस पेयर्स ऑफ डीएनए रहेंगे, यानी कि वो डीएसडीएनएस रहेंगे, ठीक है। तो दोनों में से वही डिफरेंस है, एक एसएस पे काम कर रहा है एक डीएस पे काम कर रहा है, ओके। फिर पेडिग्री एनालिसिस में आते हैं, यहाँ पर डोमिनेंट रिसेसिव की बातें हमें पता चलती है, सेक्स क्रोमोसोम्स की भी बातें पता चलती है। डोमिनेंट ऐसे आता है, या तो वो होमो होता है या तो वो हेटेरो होता है, और रिसेसिव हमेशा हेटेरो ही रहता है, ठीक है। अगर तुम देखो कि तुम पेरेंट्स हो, सोचो तुम्हारा पेरेंट्स है और तुम्हारे पेरेंट्स के पास डिजीज़ नहीं था पर अचानक से बच्चों के पास डिजीज़ आ गया या जनरेशन के पास डिजीज़ आ रहा है, ओ माय गॉड, अगर तुम देखो कि जनरेशन के पास डिजीज़ आ रहा है पर यहाँ पे पेरेंट्स के पास डिजीज़ नहीं है, इसका मतलब है कि ये केस रिसेसिव हो गया, ठीक है, ये केस ना रिसेसिव हो गया, ठीक है। पर अगर तुम देखो कि तुम्हारे पेरेंट्स के पास ऑलरेडी वो डिजीज़ था और फिर वो डिजीज़ तुम्हारे जनरेशन लाइन पे आ रहा है तो ये डोमिनेंट हो गया। जाहिर सी बात है, अगर तुम्हारे मम्मी पापा के पास डिजीज़ है,
अगर तुम्हारे मम्मी पापा के पास डिजीज़ है तो वो डिजीज़ अगर तुम्हारे ब्लड लाइन पे आएगा तब तुम बोल सकते हो कि वो डोमिनेंट था क्योंकि मेरे मम्मी पापा में से एक डोमिनेंट हो गए थे उस डिजीज़ के लिए। पर यहाँ पे अगर तुम्हारे पास तुम्हारे मम्मी पापा के पास डिजीज़ नहीं था पर तुम्हारे पास डिजीज़ आ गया तो वो बन गया रिसेसिव कंडीशन। ठीक है, मैंने यहाँ पे भी देख के रखा, देख लेना। जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करते हैं, पेडिग्री एनालिसिस में इतना जानना काफ़ी है क्योंकि ज़्यादा आता नहीं है, MCQ थोड़ा बहुत आता है, जितना आता है मैंने बता दिया। जेनेटिक डिसऑर्डर दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक होता है क्रोमोसोमल, एक होता है मेंडेलियन। मेंडेलियन में थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, सेक्स लिंक कलर ब्लाइंडनेस एंड हेमोफीलिया होता है, ऑटोसोमल्स होते हैं सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया। ठीक है, फिनाइल केटोनोरिया भी होता है। कलर ब्लाइंडनेस की अगर बात करें तो सबसे बड़ी चीज़ जो याद रखनी है वो है कि उन लोगों को रेड एंड ग्रीन कलर की देखने की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जीन म्यूटेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स होता है, ये 8% मेल्स में होता है, 0.4% फीमेल्स में होता है। ठीक है, जो वोमेन इफेक्ट नहीं होता है, वो जो वोमेन इफेक्ट नहीं होता है वो क्यों नहीं होता है, हेट्रोजाइगस एक्स डोमिनेंट नॉर्मल है, नॉर्मल जीन हो रहा है, यानी कि एक्स एक्स दूसरे एक्स को सप्रेस कर सकता है ना। तो वोमेंस के पास अगर वो ब्लाइंड जीन कैरी भी कर रही है तो सन को होने के 50% चांसेस है, पर डॉटर को होने के नो चांसेस है। ठीक है, क्या है, सन को होने के 50% चांसेस है, डॉटर को होने का नो चांसेस है। डॉटर को हो सकता है, डॉटर को हो सकता है कब, अगर मम्मी कैरियर हो और पापा कलर ब्लाइंड हो। मतलब मैं एक शॉर्टकट में सिखा के रख लूँ, जो मम्मी के पास है वो जनरली बेटे के पास जाने का चांसेस रहता है और जो पापा के पास है वो जनरली बेटी के पास जाने के चांसेस रहता है। ओके, तो ये है मेन फंडा। ठीक है, अब हेमोफीलिया की बात करते हैं। हेमोफीलिया मतलब कि क्लॉटिंग डिफेक्ट होता है। देखो, हेम मतलब ब्लड है, फीलिया मतलब लव है, ठीक है, और फोबिक मतलब फियर है। ठीक है, तो इसका मतलब है जिनको ब्लड से डर लगता है, यानी कि उनको ही लग सकता है जिनको क्लॉटिंग डिफेक्ट होने की चांसेस है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, ये मेरी एक RBC है, इस पे सोचो एक छेदा पड़ गया। ठीक है, छेदा पड़ गया और यह तुम्हारा यहाँ से ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया। यहाँ भी सेम है, अगर वोमेन के पास जीन्स है वो सन के होने के चांसेस है, डॉटर के होने के चांसेस नहीं है। डॉटर को अगर होगा तो वो पिता की वजह से होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हेमोफीलिया में तुम्हारी कंटिन्यूस ब्लीडिंग होगी। इस केस में क्या होता है कि कंटिन्यूस ब्लीडिंग की वजह से इंसान मारा जाता है। क्वीन विक्टोरिया की फैमिली को भी ये डिजीज़ था, इसीलिए इसको कभी कभी रॉयल डिजीज़ कहा जाता है। हेमोफीलिया इज़ अ रॉयल डिजीज़। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया की बात करते हैं। अभी क्या हुआ था, सब्स्टिट्यूशन ऑफ द ग्लूटामिक एसिड, कहाँ से हुआ था, वैलिन से हुआ था। किस पोजीशन पे, सिक्स्थ पोजीशन पे। ठीक है, सिंगल पेयर ऑफ एलील क्या हो गया था, HbA HbS हो गया था। म्यूटेंट हेमोग्लोबिन के पास लो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और पॉलीमराइजेशन की प्रेजेंस में वो क्या हो गया था, बाइकॉनकेट डिस्क ऑफ इलांगेटेड सिकल बन गया था। यानी कि उसका जो म्यूटेशन प्रोसेस था वो डिफरेंट हो गया था। नॉर्मली तो होता है कि CTC से GAC जाता है, वहाँ से आ जाता है GLU यानी कि ग्लूकोज, और CAC से GUG जाने के बाद यहाँ पे वैलिन आ रहा है। थोड़ा सा डिफरेंस तो यही भी हो गया। तो ये वाला पार्ट देखोगे ना तो समझ में आएगा कि मेन क्या प्रॉब्लम होता है, वो DNA के म्यूटेशन में प्रॉब्लम कर देता है। थैलेसीमिया, यहाँ पे क्या होता है, लो सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन क्यों होता है, क्योंकि एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, मेरा एनीमिया हो रहा है, यानी कि मेरी ब्लड डिफिशियंसी हो रही है, मेरी हेमोग्लोबिन कम है बॉडी में, इसीलिए मेरी एनीमिया हो रही है। दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है थैलेसीमिया ए, दूसरा होता है थैलेसीमिया बी। अगर ए हुआ तो उसका सिंपल मतलब है कि लेस प्रोडक्शन ऑफ द ए ग्लोबिन चेन, और अगर बी हो गया इसका मतलब है लेस प्रोडक्शन ऑफ द बी ग्लोबिन चेन। ठीक है, क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम की बात करते हैं। क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसिस ऑफ टू ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, इसीलिए ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होने में प्रॉब्लम होता है। ये दिखता है बीटा थैलेसीमिया का सेल्स, ठीक है, ऐसा दिखता है। फिनाइल कीटोनोरिया, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि हमारे नॉर्मल पर्सन के पास फिनाइल एनिलिन रहता है, उससे क्या बनता है, टायरोसिन बनता है। नॉर्मल पर्सन में यही होता है, पर जो अफेक्टेड पर्सन होते हैं, जिनको PKU हुआ रहता है, उनके पास ना फिनाइल एलिनिन नहीं बनता, उनके पास बनता है फिनाइल पाइरूविक एसिड। क्या बनता है, फिनाइल पाइरूविक एसिड, जो अक्यूमुलेट होने की वजह से क्या क्या हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन यानी कि इंसान पागल हो सकता है, और दूसरा हो सकता है कि उसकी एक्सक्रीशन में प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि उसकी किडनी की एब्जॉर्प्शन कम होती जा रही है, यानी कि उसकी किडनी फेल करने की बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाती है। तो ये इनबॉर्न एरर डिजीज़ होता है, और ऑटोसोमल रिसेसिव तो होता ही है।
क्रोमोसोमल डिजीजेस पे आते हैं। क्रोमोसोमल डिजीज का सिंपल मतलब है कि तुम्हारे बॉडी में कोई एक क्रोमोसोम ज्यादा रहेगा, कम रहेगा या अबनॉर्मल रहेगा, यही क्रोमोसोमल डिजीजेस का मतलब है। पहला आता है डाउन सिंड्रोम, जो कि बहुत फेमस है, लैंगडन डाउन, इनसे पता चला था हमें इस डिजीज के बारे में। ये जीन डिसऑर्डर है, यानी कि क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो 21st क्रोमोसोम है, हमारे तो कितने सारे पेयर्स है, 22 पेयर्स है, 21st क्रोमोसोम में दो की जगह 3 क्रोमोसोम्स आ गए हैं, ऐसे 3 आ गए हैं, रहता कितना है, दो 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 करके पेयर्स रहता है ना, यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 3 आ गया है, यानी कि मेरे बॉडी में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा पड़ गया है, ठीक है, 46 की जगह 47 हो गया है वो, ठीक है। तो यहाँ पे रिटार्डेशन होता है, कैसे होता है, मेंटल डेवलपमेंट में रिटार्डेशन होता है, साइकोमेटर्स में होता है, एंड फिजिकली तो होता ही है रिटार्डेशन। इफेक्ट क्या क्या करता है, जो कि बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इफेक्ट क्या क्या करता है, जनरली क्या करता है, शॉर्ट स्टैटर्ड, यानी कि तुम्हारा हाइट जो होता है वो स्टम शॉर्ट हो जाता है, स्मॉल राउंड हेड होता है तुम्हारा, फिर क्या होता है, फॉरवर्ड टंग, यानी कि टंग जो होता है वो थोड़ा सा ऐसा निकला रहता है, ठीक है। फिर क्या होता है, पार्शियली ओपन माउथ, तुम्हारा माउथ हमेशा बंद नहीं होना चाहिए। कैन यू सी हाउ आई एम ओपनिंग द माउथ, दिस इज द वे देयर माउथ आर ऑलवेज ओपन, इफ दे ट्राई ऑल्सो दे कैन नॉट क्लोज इट, ओके। और पाम ब्रॉड होते हैं, हमारे पाम जैसे होते हैं ना, वैसे पाम उनके नहीं होते हैं, ठीक है, उनके पाम बहुत ज़्यादा ब्रॉड होते हैं, ठीक है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, मेरे पास एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा पड़ गया है, एडिशन ऑफ वन कॉपी ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि इफेक्ट क्या क्या होता है, मस्कुलाइन डेवलपमेंट, फेमिनिन डेवलपमेंट, यानी कि गायनोमास्टिक यानी कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, यानी कि लड़कों के अंदर यहाँ पे हमें लड़कियों जैसे फीचर्स देखने को मिलता है, उनकी मस्कुलर डेवलपमेंट वॉइस या उनके जैसे गायनोमास्टिक होना, ठीक है, और मेल स्टेराइल भी हो जाता है। अगर टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो बिल्कुल ऑपोजिट, क्योंकि यहाँ पे 45XO हो जाता है, यानी कि एक क्रोमोसोम कम हो गया है मेरा, इफेक्टेड क्या 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 होता है, फीमेल स्टेराइल हो जाती है, जो फीमेल है वो स्टेराइल हो जाती है, वो मर्द जैसा बन जाता है, न्यूमिटेटरी ओवरीज, उसकी ओवरीज काम नहीं करती है, एंड नो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर, यानी कि उसके ब्रेस्ट डेवलपमेंट, वॉइस इम्प्रूवमेंट, ऐसी कोई भी डेवलपमेंट उसके शरीर में नहीं होती, यानी कि वो लड़की होते भी एक लड़का बन जाती है, सिंपल। यहाँ पे मैंने देखो दिखा भी दिया है, एनसीईआरटी से मैंने फोटो दिए दिया है कि वो कैसी दिखती है और ये कैसा दिखता है, अगर क्लाइन फिल्टर हो गया और टर्नर्स हो गया, ठीक है, ठीक है। ओ माय गॉड, कितना हुआ, ऑलमोस्ट 50 मिनट्स हो गया, देखो एक घंटा तो ऐसे ही हो गया, हम लोगों ने ऐसा कुछ भी डिस्कशन नहीं किया, ज़्यादा डिस्कशन ही नहीं किया, उसके बाद भी हमें एक घंटा लग गया इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। दिस चैप्टर इज़ अ वेरी सीरियस चैप्टर, यू हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली। नोट्स को कलेक्ट करो, नोट्स को ऑब्वियसली कलेक्ट करो, कहाँ से कलेक्ट करना है, टेलीग्राम से कलेक्ट करना है, और डिस्क्रिप्शन तुम्हें मेरे जो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, ठीक है, लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके श्योरली तुम्हें क्या करना है, इसको कलेक्ट करना है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन, आई एम वेरी हैप्पी इफ यू आर अटेंडिंग द सेशन। प्रीमियर चल रहा है, प्रीमियर के टाइम पे देख लो, तुम्हारा टाइम बच जाएगा, अगर रिकॉर्डेड देख रहे हो तो मेनी मेनी वेलकम टू माय चैनल, और ऐसे अच्छे अच्छे रिवीजन वीडियोस के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू पीपल हैव अटेंडेड माई क्लास, एंड मुझे ऐसे ही प्यार देते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, लाइक करते रहो, और मिलते हैं हम लोग बिल्कुल नया ताज़ा ताज़ा वीडियो के साथ।